हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या कंसीडर किया, यूनिफॉर्म, आई मीन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में एग्जिस्ट हो रहा है उसमें आप फेंकोगे या प्रोजेक्ट करोगे, तो उस पे दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, है ना। एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इन दोनों फोर्स के सम को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो FL, L स्टैंड फॉर लॉरेंज फोर्स। तो FL इक्वल टू क्या होगा, FE प्लस FM। FE क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, FM क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। और FE क्या होता है, चार्ज इनटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया है। तो Q इंटू E प्लस क्या होगा, V क्रॉस B। तो दिस इज क्या होगा, लॉरेंज फोर्स। अब इसमें क्या है, कम्बिनेशन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में कई टाइप्स होते हैं, है ना। और उस पर बेसिस से जनरली मेंस में क्या पूछा जाएगा आपसे, पाथ इक्वेशन, पाथ पूछा जा सकता है कि उसका ट्रेजेक्ट्री या पाथ क्या होगा, है ना। लेकिन एडवांस में आप देखोगे तो एडवांस में क्या पूछा जाएगा कि नहीं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका पोजीशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन क्या होगा उसको भी आप एक्सप्लेन करो, है ना। तो कई चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो इस हमने क्या किया है कि इसमें तीन केस हम पढ़ेंगे। पहला केस क्या होगा, पहला केस हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना, आई मीन पैरेलल होंगे। और किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, थीटा एंगल पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला केस ये होगा, यहाँ क्या होता है, हेलिकल पाथ होता है, लेकिन पीच जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म पीच होता है। तो पहला केस ये हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और चार्ज पार्टिकल को हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, रेस्ट से छोड़ देंगे, है ना। उस केस में उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, साइक्लोइड होता है। क्या होता है, साइक्लोइड, हमने पढ़ा है कहाँ, रोटेशनल मोशन में, है ना। यदि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, आई मीन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो उसके भी किसी भी पॉइंट का, है ना, जो पाथ होता है वो क्या होता है, साइक्लोइड होता है, जो हम देखें, ठीक है। और तीसरा जो केस हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और परपेंडिकुलर होगा, जिसको क्रॉस फील्ड भी बोलते हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं हम कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में देखेंगे, है ना। तो हम वन बाई वन देखेंगे। तो देखो यहाँ क्या है, पहला केस क्या है, पहला केस ध्यान से देखो। केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद आइदर बी और ई, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किधर माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस के अलोंग माना है, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे किसी चार्ज पार्टिकल को जिस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, उसका मास क्या, एम है, हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो यहां भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, यहां भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी और प्रोजेक्शन के दो कंपोनेंट होंगे। ओके, एक क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा, वो क्या होगा, वी परपेंडिकुलर होगा। और इस कंपोनेंट के वजह से पार्टिकल जो होगा, अगेन क्या होगा, वाई जेड प्लेन में क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, एंड ड्यू टू विच वी कॉस थीटा पार्टिकल विल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जनरली क्या है, आपको याद रखना है कि पाथ इक्वेशन क्या होता, आई मीन पाथ क्या होता है, ये पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। तो अभी देखो वन बाई वन हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पाथ के बारे में पढ़ लें कि पाथ क्या होगा, फिर पोजीशन क्या होगा स्पेस में, है ना, उसके बाद वेलोसिटी किसी टाइम टी क्या होगा, है ना, फिर हम यहाँ से देखेंगे कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगा,
वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी क्या होगा यहाँ, पिच ऑफ द क्या होगा, हेलिकल होगा, लेकिन पिच जो होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो कर देंगे तो अगेन पिच क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, जो इसके पहले क्लास में हमने क्या है पढ़ा है। तो अभी क्या है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं क्या होगा, मोशन, मोशन अलोंग क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ओनली फोर्स क्या लगेगा, एफ ई लगेगा, क्या लगेगा, एफ ई लगेगा, और एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन से क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग केवल फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होगा ये आप खुद से बता सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके अलोंग v cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, v cos थीटा और b क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट के वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसके वजह से लगेगा, लेकिन उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या होगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एम, आई मीन कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, हेंस द क्या लिख सकते हैं, हेंस, हेंस क्या होगा, पार्टिकल है ना, पार्टिकल विल मूव, मूव अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज क्या होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड्स विथ, विथ क्या होगा, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, है ना, अलोंग स्ट्रेट लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां आप किसी टाइम टी उसका x पोजीशन क्या होगा लिख सकते हो, देखो v नॉट cos थीटा t प्लस क्या होगा, हाफ qe अपॉन क्या हो जाएगा, m into t स्क्वायर, यही होगा। अरे क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया तो हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और किसी टाइम टी उसका वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, vx इक्वल टू क्या होगा, v नॉट cos थीटा प्लस क्या होगा, क्यू ई अपॉन क्या हो जाएगा, एम इन टू टी, ए माइंड में रखना है, ठीक है। तो ड्यू टू क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा, पार्टिकल विल मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, क्या होगा, क्या होगा, विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यू टू क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो कि भी परपेंडिकुलर, है ना, और ये क्या हो गया, भी पैरेलल। तो भी पैरेलल के वजह से क्या होगा, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, समझ में आया ना, एक्स एक्सिस के अलोंग वाई। अब क्या होगा, ड्यू टू, यहां मैं लिख देता हूं, है ना, ठीक है, ड्यू टू क्या होगा, अब मैं लिखता हूं कि मोशन, तो देखो ये क्या है, मोशन, अब मोशन मैं लिख रहा हूं इन वाई जेड प्लेन, क्या होगा, मोशन इन वाई जेड प्लेन, तो लिखेंगे ड्यू टू, ड्यू टू वी नट साइन थीटा, पार्टिकल, पार्टिकल विल मूव, विल move on circular path, है ना, circular path with क्या होगा, with constant speed, constant speed यहां लिख देता हूं v not sin theta, कॉन्स्टेंट स्पीड इन वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन,
अब देखो दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो हेंस हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस दोनों को हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस 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 मोशन ऑफ चार्ज, ये पूछा जाता है चार्ज पार्टिकल है ना, विल बी क्या होगा, विल बी हेलिकल विथ क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पिच, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट है क्या है इंपॉर्टेंट है तो इसको लिख लेना, क्योंकि यही मेंस में ही पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है, कि जब भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो यूनिफॉर्म हो और किसी चार्ज पार्टिकल को उनके साथ थीटा एंगल पे हम प्रोजेक्ट कर दें तो उनका पाथ क्या होगा या ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, तो क्या होता है हेलिकल होता है, पीच क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा आप बता सकते हो, देखो यहाँ टी इक्वल टू टाइम पीरियड रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हमने वी नॉट कॉस थीटा टी प्लस होगा, ठीक है, नहीं ये सही है, या देखो एक्स जो होगा क्या होगा वी नॉट कॉस थीटा है, टाइम पीरियड रखो तो हर टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा एक्स का जो वैल्यू होगा वो सेम नहीं होगा, आई मीन एक्स जो होगा वो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि एक्स पी यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ वी नॉट कॉस थीटा यहाँ टाइम पीरियड लिखता हूँ प्लस 1 बाई टू क्यू ई अपॉन एम इंटू क्या होगा टी स्क्वायर नट क्या होगा, ठीक है, क्या होगा देखो फर्स्ट टाइम पीरियड में कुछ और वैल्यू होगा सेकंड टाइम, ठीक है, ये जो होगा क्या होगा कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है, अब अपने को तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब डायग्राम हम ड्रॉ करें तो वाई जेड प्लेन में अगेन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ जेड माइनस जेड एक्सिस, दिस इज क्या होगा वाई, अगेन क्या होगा ये वाई जेड प्लेन में, बस इसके पहले वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वाई जेड प्लेन में ये कैसे क्या होगा ऐसे सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, यहाँ यही क्या होगा इसका रेडियस होगा है ना, दिस इज रेडियस, यहाँ क्या होगा अगेन वी नट साइन थीटा से क्या होगा मूव करेगा, क्या होगा वी नट साइन थीटा से है ना, वी नट साइन थीटा से क्या होगा इस सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, किस प्लेन में वाई जेड प्लेन में, अब कुछ नहीं हुआ ये सर्कुलर पाथ है ना, अब यहां से तुम देख सकते हो कि रेडियस कितना होगा, रेडियस एम वी नट साइन थीटा, अगेन एम वी नट साइन थीटा अपॉन क्या होगा क्यू बी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स तुम देख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स तुम लिखना चाहोगे तो एफ एम लिख सकते हो, एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा क्यू वी क्रॉस क्या होगा बी, ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से तुम लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा क्या होगा, अगेन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्या होगा क्यू बी होगा, ठीक है, ओमेगा कितना हो जाएगा क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ये ऑलरेडी जो भी हम पहले पढ़े हैं इसके पहले वाले केस में वही होगा, अब आपको लिखना है, मान लो कि मुझे क्या करना है पोजीशन लिखना है कि आई मीन एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन में किसी टाइम उसका पोजीशन क्या होगा वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो अब हम क्या लिखेंगे पोजीशन एंड वेलोसिटी है ना, तो पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इन वाई जेड प्लेन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पार्टिकल इन क्या होगा वाई जेड प्लेन एट एनी टाइम क्या होगा एनी टाइम, ठीक है, अब देखो यहां से देखो यही क्या है सर्कुलर पाथ है किस प्लेन में वाई जेड प्लेन में है ना, ए माइनस जेड है, किसी टाइम टी पार्टिकल जो है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा या वी नट साइन थीटा से आप बोल सकते हो कि वी नट साइन थीटा, जैसा कि मैंने बताया, अब किसी टाइम टी यहां से टी इक्वल टू क्या होगा
टी एट एनी टाइम टी, यही क्या हुआ, सी हो गया। एक कितना एंगल अल्फा एंगल पे, कहाँ है पॉइंट टी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है जेड कॉमा क्या है वाई। इसका वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे होगा वी नट कॉस, सॉरी वी नट साइन थीटा। अगेन देखो ए ए वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा वी नट, ठीक है। यदि अल्फा है तो ये अल्फा ही क्या होगा 90 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, तो वीजेड यहाँ लिख सकते हैं वी नट क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा वी वाई, ठीक है। तो वी वाई यहाँ लिख सकते हो, देखो यहाँ से एक कंपोनेंट से तुम खुद से भी रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा मैं सही से ड्रॉ कर दूँ, नहीं तो तुमको दिखाई नहीं देगा, है ना। रुक जाओ थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। यही क्या है किसी टाइम टी, देखो ये पार्टिकल जो है अल्फा एंगल पे गया है ना, तो यहाँ इधर ये क्या है वी नट साइन थीटा, ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू याद रखना ओमेगा इंटू टी। अरे ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या है रोटेट हो रहा है, तो ये अल्फा होगा। तो देखो ध्यान से ए वाला क्या होगा, ये भी अल्फा होगा, दिस इज वाई। इसका ए वाला जो कंपोनेंट होगा वो लिख सकते हो वी नट क्या होगा, वी नट साइन थीटा साइन क्या होगा अल्फा। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा क्या होगा वी नट साइन थीटा अल्फा हो जाएगा, और ये जो होगा वी वाई, वी वाई इक्वल टू भी लिख सकते हो, देखो यहाँ लिख देता हूँ वी वाई इक्वल टू क्या होगा वी नट साइन थीटा कॉस अल्फा, आई मीन क्या होगा वी नट साइन थीटा क्या होगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू यहाँ मालूम है, देखो ध्यान से, उसी तरह क्या होगा वी जेड इज इक्वल टू क्या होगा वी नट साइन थीटा साइन क्या होगा ओमेगा टी, ठीक है। तो वी वाई भी मिल गया, क्या मिल गया अपने को वी जेड भी मिल गया, है ना। यही क्या है आर है। अब यदि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मानो तो देखो ये टोटल क्या होगा आर होगा, ठीक है। ये अब ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा आर साइन अल्फा हो जाएगा, ये आर कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो वाई इक्वल टू, देखो तो वाई इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आई मीन क्या होगा पी एम सी में लिख सकते हो इन पी एम सी क्या होगा साइन अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे y अपॉन क्या लिखोगे r, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ r साइन अल्फा, आई मीन क्या हुआ y इज इक्वल टू r साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा t, ठीक है। और सिमिलरली z इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे r इंटू वन माइनस क्या हुआ cos ओमेगा t, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं पोजीशन क्या होगा, पोजीशन यहां से लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ क्या होगा चार्ज पार्टिकल एट क्या होगा एनी टाइम टी क्या होगा लिख सकते हो, देखो आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्या होगा के। यहां तुम एक्स वाई और जेड का वैल्यू लिख दोगे तो आसानी से एक्स का वैल्यू मालूम है वी नट साइन थीटा टी, एक्स यही है ना यार, एक्स यहां लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू वी नट साइन सॉरी वी नट कॉस थीटा टी प्लस हाफ क्यू ई अपॉन क्या होगा एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ एक्स जो होगा हर टाइम क्या होगा चेंज होता रहेगा, आई मीन कॉन्स्टेंट रेट से चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पाथ आता है वो क्या होता है हेलिकल होता है, लेकिन पिच जो होता है मैंने एक्स पी जो होगा वो कॉन्स्टेंट हर टाइम इंटरवल हर टाइम पीरियड में सेम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आई मीन लिनियरली नहीं वैरी कर रहा, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो पोजीशन मालूम चल गया तो हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगा एट एनी टाइम टी क्या होगा एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम है ना, तो क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम क्या होगा टी। तो देखो वी वी वाई वी जेड लिख दें तो वी एट एनी टाइम क्या होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप प्लस
वी जेड क्या होगा, है ना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जेड कैप प्लस वी जेड के। यहाँ भी लिख सकते हो वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वी नट कॉस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी आई कैप प्लस, देखो वी नट साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या लिखा वी आई मीन क्या लिखेंगे कॉस ओमेगा टी आई जे कैप प्लस साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा के कैप। यहाँ देखोगे तो स्पीड जो होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट नहीं होगा, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो होगा वो क्या होगा नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट नहीं होगा, देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी क्या होगा, किसी टाइम टी पूछा जाए तो हम वेलोसिटी लिख सकते हैं आसानी से, है ना। उसके बाद पोजीशन क्या होगा एक्स वाई जेड प्लेन में, तो हम उसको भी आसानी से लिख सकते हैं। सेकंड जो केस है तो पहला केस था, तो सुनो ध्यान से कि क्या होगा कि जब भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यूनिफॉर्म होगा और पैरेलल होगा, और किसी भी चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल पे फील्ड के साथ हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे, तो उनका जो पाथ होगा वो क्या होगा हेलिकल होगा, लेकिन पिच क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, आई मीन पाथ विल बी हेलिक्स बट पिच विल बी क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म, समझ में आया ना। तो नॉन यूनिफॉर्म पिच कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो यूनिफॉर्म हो पैरेलल हो और किसी भी चार्ज पार्टिकल को, है ना, उनके साथ थीटा एंगल पे हम क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थीटा आप भी देख रहे हो, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या है नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा पार्टिकल मूव कर जाएगा, समझ में आया ना, क्या होगा स्ट्रेट लाइन पे क्या हो जाएगा मूव कर जाएगा, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस भी देख सकते हैं, है ना। हाँ तो इसमें एक चीज तुम घर पे क्या करना कि इसमें होमवर्क भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इफ क्या होगा इफ, अब देखो क्या होगा इफ थीटा नोट में लिख लेना, है ना, नोट में क्या होगा कि इफ क्या होगा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, आई मीन केस क्या हो जाएगा देखो, जब क्या हो जाएगा ऐसे आई मीन एक्स एक्सिस हुआ वाई एक्सिस हुआ जेड एक्सिस, इधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और हम क्या कर रहे हैं इधर वी नट स्पीड से क्या कर रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल को इधर प्लस क्यू चार्ज है और इसका मास क्या है। अगेन क्या होगा सब चीज यहां लिख सकते हो, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x इक्वल टू क्या होगा पोजीशन, पोजीशन लिखना चाहोगे पोजीशन ऑफ क्या होगा पार्टिकल, यहां भी क्या होगा अगेन हेलिकल पाथ होगा, क्या होगा अगेन हेलिकल पाथ होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या होगा हेलिकल पाथ होगा यहां भी, है ना, लेकिन ध्यान देना है कि पिच जो होगा तो पार्टिकल क्या होगा यहां भी क्या होगा इस केस में भी, पाथ क्या होगा याद रखना है पाथ क्या होगा अगेन पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी क्या होगा विल बी हेलिक्स विथ नॉन यूनिफॉर्म पिच विथ नॉन यूनिफॉर्म पिच, पिच क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म। अब क्या होगा पोजीशन मैं लिख देता हूं, देखो इसी में क्या करोगे आप थीटा इक्वल टू क्या रखोगे 90 डिग्री रख दोगे तो आसानी से क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन जब लिखोगे तो पोजीशन इक्वल टू क्या होगा देखो पोजीशन अगला पॉइंट क्या है पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम क्या होगा एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स आई मीन आर आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस क्या होगा वाई जे कैप प्लस क्या होगा जेड, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा देखो हाफ क्यू ई अपॉन क्या होगा एम इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस क्या हो जाएगा वाई कंपोनेंट क्या है याद है क्या वाई कंपोनेंट क्या है क्या है आर कॉस ओमेगा टी, तो यहां लिख सकते हैं आर नहीं आर साइन साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस क्या है
आर इंटू क्या है, वन माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या होगा माइनस के। अब तुमसे ये पूछा जा सकता है कि कब कब जो होगा वो क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वाई जेड जेड कोऑर्डिनेट कब जीरो होगा, तो यहां से देख सकते हो तुम, है ना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पार्टिकल एट एनी टाइम क्या होगा, एनी टाइम, तो v इक्वल टू क्या होगा, अगेन क्या होगा वी एक्स, आई कैप प्लस क्या होगा वी वाई, जे कैप प्लस वी जेड क्या होगा के कैप। तो यहां आप देख सकते हो, देखो ध्यान से क्या क्या होगा, तो v वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स कितना हो जाएगा यार, क्यू ई अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा टी आई कैप प्लस, ठीक है। वी वाई कितना हो जाएगा, याद आया, वी वाई क्या हो जाएगा v, है ना, क्या हो जाएगा v नट कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस, ये कितना हो जाएगा v नट साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा माइनस के कैप। ये रटना नहीं है, पहले से ही मैंने केवल क्या किया, थीटा इक्वल टू क्या किया उसमें 90 डिग्री रख, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो, सेकंड केस देख लो तुम, है ना, देखो क्या है केस सेकंड, कि व्हेन क्या है, व्हेन ई एंड ई इज पैरेलल टू क्या है बी है एंड, सिंपल लिख देते हैं एंड क्या होगा पैरेलल टू, आई मीन एंड क्या है, एंड पार्टिकल पार्टिकल इज क्या होगा प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड अलोंग क्या होगा आइदर ई एंड क्या होगा एंड बी और बी और बी, आई मीन देखो क्या है, एक केस क्या होगा, इस केस में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कांस्टेंट है यार, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है कांस्टेंट, तो और इसी में अलोंग का मतलब क्या हुआ आइदर ऐसे और ऐसे, एक तो हो सकता है क्या कि रिलीज कर दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है कि यदि रिलीज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इसमें वेलोसिटी जीरो रख दोगे तो एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग आइदर अलोंग ई और बी, दोनों सेम चीज हुआ, तो इधर हमने क्या किया प्रोजेक्ट कर दिया, प्लस क्यू चार्ज है, मास क्या एम है, और इसको वी नेट वेलोसिटी से क्या किया प्रोजेक्ट कर दिया, आई मीन क्या है तीनों क्या है पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, सेम डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के अलोंग, और चार्ज पार्टिकल को इसी के अलोंग हमने क्या किया है फेंक दिया है किसी वेलोसिटी से वी नट से। इस केस में देखो अब क्या होगा, फोर्स हम लिखें तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, तो एफ एल यहाँ क्या होगा लॉरेंज फोर्स लगेगा एफ एल, और एफ एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू, है ना, ई आई कैप प्लस क्या होगा क्यू वी क्रॉस क्या होगा बी, ठीक है। अब देखो एफ एल लिखोगे तो देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भी भी क्रॉस भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो एफ एल इक्वल टू क्या होगा क्यू ई, आई मीन फोर्स किधर लगेगा इधर, तो यहां से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, तो ए इक्वल टू क्या होगा क्यू ई अपॉन क्या होगा एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, आई मीन इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इट विल मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो यहां ध्यान रखना है कि क्या होगा, नोट में मैं लिख देता हूं, तो ये एक्सेलेरेशन ही हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा v नट प्लस क्या हो जाएगा q e अपॉन क्या हो जाएगा m इनटू t हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या होगा v नट t प्लस हाफ q e अपॉन क्या हो जाएगा m इनटू t स्क्वायर। तो यहां आपसे पूछा जाएगा कि पाथ क्या होगा, तो आप क्या पाथ बताओगे, देखो ध्यान से कि व्हेन e एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर एंड चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड आइदर अलोंग द क्या होगा डैम, और क्या होगा रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी रिलीज फ्रॉम रेस्ट
इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा. ठीक है, यहाँ नोट में मैं लिख देता हूँ, इसको आपको लिख लेना है. तो क्या होगा, व्हेन, देखो ध्यान से नोट में इसको लिखना है ना, कि व्हेन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्या है, आर पैरेलल एंड ए चार्ज पार्टिकल इज आइदर क्या होगा, आइदर प्रोजेक्टेड अलोंग देम है ना, उसी के अलोंग क्या है, उनके अलोंग फेंका जाए, प्रोजेक्टेड अलोंग देम और रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द क्या होगा, बोथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देम और रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. देन क्या होगा, देन पाथ और क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. तो ये पूछा जाएगा, ये समझ में आया कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेस्ट में क्या होगा, पैरेलल होगा, यूनिफॉर्म होगा. अब क्या करो, किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दो और क्या करो, उनके अलोंग फेंक दो. दोनों केस में जो क्या होगा, उनका ट्रेजेक्ट्री होगा या पाथ होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, समझ में आया, तो ये आपको ध्यान रखना है. थर्ड केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, है ना. तो थर्ड केस इसमें देखो क्या होगा, ठीक है, केस थर्ड देखो, केस व्हेन क्या होगा, व्हेन इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड भी बोलते हैं. तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड. देखो अभी हम सभी, मैं नहीं भी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया है. ठीक है, हर जगह लिखना कोई जरूरी नहीं है. तो आप ये समझना कि हम यहां व्हेन ई एंड बी आर परपेंडिकुलर एंड ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, विथ क्या होगा, विथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ई एंड क्या होगा, एंड बी, सॉरी ई एंड
ठीक है। तो यहाँ एक टर्म मिलता है क्रॉस फील्ड, क्या होता है क्रॉस फील्ड, मैं बता देता हूँ क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हुआ, क्रॉस फील्ड्स है ना। तो इन दिस फील्ड क्या होता है, इन दिस, इन दिस कभी कभी ये भी आपको, इन दिस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट एंड बोथ विल बी क्या होगा, बोथ विल बी, विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड बोलते हैं, समझ में आया ना। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ना है अपने को, कि आई मीन मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं और मुझे किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करना है ना, उसको फिगर आउट करना है कि कौन सा पार्टिकल जो होगा इस वेलोसिटी को होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको क्रॉस यूनिफॉर्म फील्ड से हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, कुछ सीन होता है, मैं बताता हूँ यहाँ आपको, ठीक है। तो वैन क्या होगा, ई एंड बी आर क्या होगा, यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म, बोथ आर परपेंडिकुलर टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ कुछ सीन ऐसा होगा, है ना। अब देखो क्या है कि यही क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, है ना, क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पे चलो हमने क्या किया, इस पे प्लस चार्ज, ये आपको मालूम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे और यहाँ एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर क्या कर रहा है, एक स्क्रीन है ना, ऑफ कोर्स क्या है, स्क्रीन है जहां क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि यहां हम क्या करते हैं कि इधर, अब देखो यहां हमने क्या किया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, है ना, ठीक है, क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तुम इधर भी अब क्या कर सकते हो, इधर कंसीडर कर सकते हो, देखो ये क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ ये क्रॉस फील्ड है, आई मीन यहाँ क्या है, यदि मैं बी लिखूं तो बी क्या है, बी इज इक्वल टू क्या है, बी नट इनटू हमने क्या मान लिया, माइनस लिखा है ना अंदर। और ई यदि मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू क्या होगा, ई नट, डाउनवर्ड डायरेक्शन है यार, तो क्या है माइनस, ठीक है। और यही क्या है, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अब देखो क्या होगा, जब हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को यहां, यहां से ऐसे, इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और मास क्या है, एम है, वी नॉट वेलोसिटी से क्या किया, ठीक है, क्या किया, वी नॉट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम यदि वी लिखें इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा, वी नॉट यही होगा, ठीक है, यही सेंटर पॉइंट है ना यहाँ, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, लॉरेंज फोर्स लिखोगे तो एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ एल इक्वल टू क्या होगा, एफ एल इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई प्लस क्या होगा, एफ एम, है ना, कोई डाउट नहीं है ना, Fe प्लस हमने क्या लिखा, Fm लिखा, है ना। अब तुम ध्यान से देखना कि चलो मैग्नेटिक फोर्स तो खुद ही मालूम चल जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। अब यदि मैं लिखूं Fl is equal to क्या होगा, Fe, I mean क्या होगा, Q, हमने चार्ज पॉजिटिव लिया यार, ध्यान देना, Q
इनटू क्या लिखेंगे ई और माइनस जे कैप, सही है ना, ई नट। उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे, क्यू इनटू वी क्रॉस क्या होगा बी, कोई डाउट है ना। तो अब वी क्रॉस बी जब लिखोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, वी क्रॉस बी तो यहां लिखेंगे एफ लॉरेंस फोर्स इक्वल टू क्या होगा क्यू नट, है ना, क्यू ई नट, है ना, माइनस जी कैप। अब देखो किसी किसी बुक में ई लिया है तो यार कंफ्यूज मत हो जाना तुम कि सर आपने ई नट बी नट क्यों ले लिया, कुछ वैल्यू ले लिया यार, है ना, घबराना नहीं तुम लोग। तो क्यू ई नट माइनस जी कैप प्लस क्या होगा क्यू, वी का वैल्यू रखो तो क्या होगा वी नट, और बी का वैल्यू ले लो बी नट, और यहाँ क्या लिख लें आई क्रॉस माइनस क्या लिखेंगे के कैप। तो आई क्रॉस क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या होता है तुमको मालूम है ना, आई क्रॉस के जो होगा वो क्या होगा माइनस जे होगा। देखो ए एफ एल इक्वल टू क्या होगा क्यू, मैंने बाहर ले लिया, यहाँ लिख सकते हैं ई नट माइनस जे कैप प्लस क्या लिखेंगे, देखो ए क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या होगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं वी बी जी, है ना। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इंटू, देखो ई नट, है ना, आई मीन क्या लिखेंगे ई नट वी नट बी माइनस क्या लिखेंगे ई नट इंटू क्या लिखेंगे जी। अब यहां तीन केस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा तीन केसेस हो जाएगा। उसके बेसिस पे क्या होगा, आप देखो तीन, एक तो क्या होगा पार्टिकल यहां क्या होगा ऐसे जा सकता है ना, ऐसे और ऐसे जाएगा, और एक क्या होगा ऐसे ऐसे पैराबोलिक पाथ पे, और इसके बाद वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहां क्या हो जाएगा वो अंदर जो होगा वो क्या होगा पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा, समझ में आया ना आपको, इधर क्या होगा वो पैराबोलिक पाथ पे क्या होगा मूव करेगा, ये आप देख सकते हो, और यहाँ क्या होगा ये बाहर जो होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, तो दिस विल बी क्या होगा स्ट्रेट लाइन, एक कब होगा वो मैं बताता हूँ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ जो होगा अंदर जो होगा वो क्या होगा पैराबोला होगा, याद रखना ठीक है। एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये भी हो सकता है, देखो ध्यान से, ये नीचे जाएगा ऐसे और यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे, यहाँ क्या होगा स्ट्राइक, तो यहाँ भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और यहाँ भी तीसरा केस ये भी हो सकता है कि यहाँ जा करके स्ट्राइक करें, ठीक है, क्या होता है तीसरा केस ऐसे भी हो सकता है। तो अलवेज जब भी क्या होगा क्रॉस फील्ड से बाहर होगा तो अलवेज क्या होगा चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, आई मीन ये भी अंदर जो होगा क्या होगा पैराबोलिक होगा, लेकिन ये क्या होगा बाहर क्या होगा स्ट्रेट। तो यहाँ जो केस फर्स्ट होगा जो देखो क्या होगा कि इफ क्या होगा इफ क्या लिखेंगे ई इनर्ट, आई मीन इनर्ट इज क्या होगा इनर्ट इज लेस देन क्या होगा वी नट, इसका मतलब क्या होगा कि देखो ये क्या होगा पॉजिटिव हो गया तो नेट फोर्स किधर लाएगा ऊपर लाएगा, तो एक केस किसका हो जाएगा हेंस क्या होगा हेंस हेंस क्या होगा पार्टिकल पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट ऑफ आई मीन डिफ्लेक्ट अलोंग पॉजिटिव क्या होगा अलोंग प्लस वाई एक्सिस, ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है, इनसाइड फील्ड मूव ऑन क्या होगा मूव ऑन पैराबोला पैराबोलिक पाथ एंड आउटसाइड फील्ड्स, है ना, आउटसाइड फील्ड मूव अलोंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, समझ में आया ना। तो क्या होगा इनसाइड जो होगा क्या होगा पैराबोला मूव करेगा पैराबोलिक पाथ पे, और आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन पे मूव, तो कहां आकर के स्ट्राइक करेगा यहां स्ट्राइक करेगा हीट करेगा यहां, ठीक है, हीटिंग पॉइंट यहां क्या होगा हीट करेगा। उसी तरह सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस हम लिख सकते हैं यहां, देखो ध्यान से,
तो सेकंड केस में हम फर्स्ट केस लिखे, सेकंड में क्या लिख सकते हैं, ई क्या होगा, ई इज क्या होगा, ई नट इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी नट बी नट, देन क्या होगा, देन पार्टिकल विल क्या होगा, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, आई मीन डाउनवर्ड एंड हीट, एंड हीट एट क्या होगा, पॉइंट, अब पाथ नहीं लिख रहा हूं, पाथ यहां इसको पी मान लो, पॉइंट पी ऑन द क्या होगा, ऑन द स्क्रीन। अगेन यहां भी सेम सिचुएशन होगा, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, तो देखो थर्ड केस क्या होगा कि इफ क्या होगा, इफ क्या होगा, इनट इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी बी नट, देन क्या हो जाएगा, देन एफ एल आई मीन लॉरेंस फोर्स क्या होगा, जीरो, हेंस क्या होगा, हेंस पार्टिकल, पार्टिकल विल क्या होगा, विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑन, एंड हीट क्या होगा, हीट एट पॉइंट क्या होगा, आर मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन इनसाइड द क्या होगा, द क्रॉस फील्ड, एंड हीट, एंड हीट द क्या होगा, स्क्रीन एट आर एट पॉइंट, वेलोसिटी सिलेक्टर, तो यहां से तुम भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये तब होगा, ये समझ में आने, ये कब हुआ, ये देखो ये कब था, जब वी नट और बी नट ग्रेटर देन क्या था, ई नट, ये पाथ कब होगा, जब वी नट बी नट इज लेस देन क्या है, ई नट, और ये वाला पाथ कब होगा, जब वी नट बी नट इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो स्ट्रीट लाइन वेलोसिटी सिलेक्टर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, तो हम यहां से लिख सकते हैं, हेंस क्या होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी सिलेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इस प्रिंसिपल पे क्या करता है, वो काम करता है, ठीक है, क्या करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या होगा, v नट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो v नट इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिख सकते हैं v नट इक्वल टू क्या होगा, e नट अपॉन क्या होगा, सॉरी e नट अपॉन क्या होगा, v नट, ये तो स्केलर फॉर्म में हुआ है यार, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बता सकते हो आप, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई मीन यहाँ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखो बता सकते हो, आपको क्या करना है, आई मीन इसको, अब देखो हमको क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ऐसे लिख सकते हैं, देखो वी नट इज इक्वल टू ई नट इन टू क्या होगा, बी नट अपॉन क्या होगा, बी नट स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, 90 डिग्री पे है ना, ई क्रॉस ई का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, तो देखो तो ई क्रॉस बी लिखे क्या होगा, ई क्रॉस बी कंसीडर करें, देखो तो यहाँ ई क्रॉस बी ठीक है विल बी पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, देखो ध्यान से, ई क्रॉस बी, ई का डायरेक्शन कैसे है, नीचे है, तो ई क्रॉस बी, बी अंदर है, देखो बी अंदर है ही ऐसे, ई क्रॉस बी भी होगा, तो यहाँ से ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ई क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा, बी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वी नट इज इक्वल टू क्या होगा, ई क्रॉस बी आई मीन ई क्रॉस बी नट अपॉन क्या होगा, बी नट स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे ये याद रखना, ये पूछा हुआ है,
तो वेलोसिटी सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, यही कॉन्सेप्ट क्या करते हैं कि क्रॉस फील्ड होता है ना, जिसमें क्या करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को है ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर देते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह एडजस्ट करते हैं है ना कि उस पर नेट लॉरेंस फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो पार्टिकल क्या होता है यहाँ आकर के क्या होता है स्ट्राइक कर देता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर यूज वेलोसिटी सिलेक्टर काम करता है। तो यहाँ लिख देता हूँ वी इज इक्वल टू ई क्रॉस क्या होगा बी अपॉन क्या होगा बी स्क्वायर, स्केलर फॉर्म में हो गया ए वाला रिजल्ट, ए क्या हुआ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद देखो तुम साइक्लोट्रॉन खुद से पढ़ लेना, साइक्लोट्रॉन में कुछ नहीं है, क्या है उसमें है ना कि केवल क्या है कि उसको एक्सेलेरेट करने के लिए यूज किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करने के लिए, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक भी है। तो आप पढ़ोगे उसको पहले खुद से, आप एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, पार्टिकल एक्सेलेरेटर होता है, दूसरा कुछ नहीं है। और भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ गए, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है, डी शेप होता है, आप सब चीज़ पढ़ लेना, खुद से रीड करोगे तो आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है जो एडवांस में ही पूछा जाता है, तो देखते हैं यदि जरूरी लगा तो मैं बता दूंगा क्यों। अभी कौन सा केस बचा आपको मालूम है, कौन सा केस बचा, एक और केस है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे हम उसमें रिलीज कर देंगे, तो पाथ क्या होगा, उस केस में क्या होता है साइक्लोइड पाथ होता है ना। तो यदि देखते हैं, यदि टाइम मिला तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। बस केवल नोटबुक पढ़ो यार, और कोई भी तुम बुक उठाओ, बीएम शर्मा का बुक ले लो, एचसी वर्मा का बुक ले लो, और देखो कि ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जितने भी मैंने पॉइंट बता दिए हैं इससे ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन मेंस का है, जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ना, और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और होपफुली इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, कहीं जो ऐसा लगा तो मैं कुछ इस पर प्रॉब्लम डाउट क्लास ले लूँगा है ना, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बार मैग्नेट से के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास तक क्या था, आज के क्लास तक हम क्या पढ़ रहे थे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।